आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील। अध्यक्ष महोदया, आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील, क्योंकि लोकसभा में पास हो रहा है सवर्ण आरक्षण का बिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल, क्योंकि राफेल में बिल्कुल नहीं हुआ है गलत डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक, इसलिए संसद में बिल आया है सवर्ण आरक्षण और 3 तलाक। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है एक नई ही झलक, अब मत दिखाओ राहुल गांधी गलत फलक। नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, इसलिए मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण। राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं देश का रक्षण। ...2019 में कांग्रेस का हो जाएगा भक्षण। जिस तरीके से सदन में संशोधन बिल लाया गया है, उस तरीके का हम विरोध करते हैं कि यह एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट का बैरियर 50% का टूट गया है, 60% पर आ गया है। हमें इसमें कुछ नहीं कहना है, हमें कहना है जातीय जनगणना कराओ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सड़क से लेकर संसद तक लगातार कहते रहे जातीय जनगणना कराओ, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें जो है 85 दीजिए, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, दलित को, अति पिछड़ा को, हमें 85 चाहिए, 10 आप ले जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं जिन बातों के लिए जीवन भर लड़ते आया और आज वो सपना पूरा हुआ है कि समाजवादी आंदोलन में हमारे ऊंची जाति के लोग, जिनको मैं आज स्मरण करता हूँ, डॉक्टर वैद्यनाथ झा, डॉक्टर शिवचंद्र झा, दिगंबर ठाकुर, भगीरथ झा, ये लोग जब हमारे साथ समाजवादी आंदोलन में चलते थे और कहते थे डॉक्टर लोहिया बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो उस समय जब उनके घर पर मैं जाता था, वो साधारण परिवार के गरीब सब थे, तो वो मुझको कहते थे कि कभी आप लोगों का राज आएगा तो ये ऊंची जाति के ब्राह्मण के भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचिएगा। तो उनके मन में एक अरमान था कि कभी पिछड़ी जाति का ऐसा आदमी सत्ता में आएगा जो संपूर्ण समाज के समग्र विकास के लिए सोचेगा, और उस दिन ऊंची जाति के गरीबों के भी बच्चे के अरमान को पूरा करेगा। मैं सोचता हूँ वह दिन आ गया। बिहार के अंदर रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सचिदानंद सिंह, ये लोग कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जब लड़ते थे, मैं जानता हूँ जब बाबू सत्येंद्र नारायण सिंह के साथ 77 में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व का संघर्ष हुआ था, उस समय मेरी पार्टी में, उस समय जनता पार्टी में 33 राजपूत थे, उसमें से 17 राजपूतों ने कर्पूरी ठाकुर का समर्थन किया था, बाबू सत्येंद्र नारायण सिंह का समर्थन नहीं किया था। क्या उनका अरमान नहीं था? इसलिए 77 में जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया 26%, तो उन्होंने दिया 12% पिछड़ा एनेक्चर 1, 8% एनेक्चर 2, 3% महिला, 3% आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब। उन्होंने शुरुआत की थी वहाँ थे।
आज उसको बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आए हैं। पिछड़ा वर्ग कमीशन का जब सवाल आया, इतने दिन नहीं हुआ जाने दीजिए, लेकिन मुझे लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दे पाएगी, ऊंची जातियों के पार्टी वाले हैं ये कभी करेंगे। लेकिन जब ये आरक्षण का पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा, तो उसके पास करने समय में भाई राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी, गडकरी जी, ये कलराज मिश्र बैठे हैं, इन सभी ऊंची जातियों के लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को जब राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया, तो क्या ये पिछड़े वर्ग के लिए इनकी कुर्बानी नहीं है क्या? इनके इस कुर्बानी को भूल जाएंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, देश में दो विचारधारा का द्वंद्व रहा है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे अवर्ण हो, चाहे कुवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, एक है कट्टरपंथी और एक है उदारवादी। वाल्मीकि से लेकर के, मैं वहां से शुरू करूंगा, वाल्मीकि से लेकर समाजवादी आंदोलन की धारा में आज भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जी लेकर सुषमा स्वराज तक उसी वाल्मीकि के उदारपंथी पर धारा के प्रतिपोषक हैं, इसलिए मैं इन सबों को धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने, श्री नरेंद्र मोदी जब एक पिछड़े वर्ग के हैं, उन्होंने इस आरक्षण को लाया है। जिस समय कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में अध्यक्ष जी और हमारे साथियों, ऊंची जाति के साथियों, मुझे कंधा पर लेकर नेता बना रहे थे, आज सदन में गरजने वाले लोग हैं, उनका कहीं जन्म भी नहीं हुआ था। हमने क्या क्या नहीं भोगा और उसको भोगते हुए यहाँ तक आए, हमने सब देखा। अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, क्या वो भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश के बनाने में जनेश्वर मिश्रा का इनके पसीना से कम योगदान है, ब्रजभूषण तिवारी का कम योगदान है, मोहन सिंह का कम योगदान है, राजनारायण का कम योगदान है? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? धन्यवाद दो उनको, ये ऊंची जाति के लोगों को डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि आप नमक बन जाओ, खाद बन जाओ, तब आपके इस खाद पर, इस नमक पर पिछड़े और दलित समाज के कमल खिलेंगे। जो उन्होंने खाद बनने का काम किया, पसीना देने का काम किया, परिश्रम देने का काम किया, आज पिछड़े दलित के हाथ में सत्ता आई है, तो उन गरीब ऊंची जाति के गरीब बेटों के आंख के आंसू नहीं पोछोगे तो ये राजनीतिक पाप होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे आग्रह है दैट इफ यू आर सपोर्टिंग दिस, डोंट बी ग्रजिंग इन योर सपोर्ट, बी होल हार्टेड एंड लार्ज हार्टेड, बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वो जो सीमा थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक, कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, ये केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो जो अदर क्लासेस हैं, अदर सेक्शंस हैं, जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, किसी जात के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे, 50 में से अधिकतर उन्हीं के लोग इसमें आते हैं, जो बचे हुए 50 में से, यह कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए, इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए? मैडम, आई हैव ओनली 8 points टू मेक। यस, एंड द फर्स्ट थिंग इज, मैडम इनको बिठाइए, मैडम अठौले जी प्लीज बैठिए, बैठिए अठौले जी। मैडम, आई स्टैंड टू अपोज दिस बिल, एंड व्हाई डू आई अपोज दिस बिल इज पॉइंट नंबर 1, दिस बिल इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
दिस बिल इज एन इंसल्ट टू बाबा साहब अम्बेडकर बिकॉज वॉट वॉज द ओरिजिनल पर्पज ऑफ गिविंग रिजर्वेशन वॉज टू गिव सोशल जस्टिस टू रिड्यूस सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस. द थर्ड पॉइंट इज मैडम इन द स्पिरिट ऑफ आर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकग्नाइज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एट ऑल. इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अगेंस्ट वॉट द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज थॉट. सो दिस गवर्नमेंट cannot have more wisdom than the framers of our constitution. My point number four is reservation is given for justice. May I know from the government, have the Janyodharus and the Savarnas ever faced untouchability, oppression, discrimination, encounters, police beatings, dropout, lower number of people in graduates? These are all traits which are found, unfortunately, in our country, in Dalits, SCs, and in the caste of the Muslim community. Madam, my fifth point is, this exercise is fraught with impropriety. Since there is no evidence of empirical data, please show us empirical data of these Savarna people, Fawar caste people, their backwardness. Where is the empirical evidence? Okay. The empirical evidence is found where? In Sachar committee, Mishra commission, Kundu committee in 2011 census, lowest literacy rate Muslims, lowest people in schools Muslims, highest dropout rate Muslims, lowest number of people in graduation. Madam, my sixth point is that why I say this is a burden on states. My state Telangana have passed an act asking for 10% reservation for the caste among Muslims and 12% for STs. That was backed by empirical evidence. You refused it for last 6 months. My last point, may I know from the government, what will happen to the Maratha reservation? Are you going to give the Marathas reservation under this economic backward, whatever it is? This is a fraud on constitution, madam. That is why I say that in Article 15 and 16, and last, my seventh point, madam, in 15 and 16, there is no way you can put in economic backwardness. And if you are so serious about Sabka Saath, Sabka Vikas, I challenge you, what about 1950 presidential order? Yes. Isn't that violation of right to equality? Isn't that violation of Article 21? Okay. That is why I say you are playing a fraud on constitution. It is an insult to Baba Saheb Ambedkar. Yes. And you cannot pass this bill in the courts of law. This will be struck down. Today you can enjoy your Diwali or whatever it is, but this will be struck down by courts. Thank you, madam.